इसी बीच स्थानीय पाठशाला के प्रधानाचार्य निशिकांत शर्मा जी आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत व अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शश्यामलाम। मातरम वंदे मातरम, शुभ्र शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिनीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं। माँ सरस्वती के इस सुंदर प्रांगण में टिमटिमाते तारों की तरह विराजमान सभी प्यारे बच्चे जो इस पूरे टूर्नामेंट की हमारी शोभा है, साथ में उपस्थित इस उद्घाटन समारोह में अंडर 19 बॉयज जोन के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय बाली जी, इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी, स्टेज पर विराजमान विभिन्न विद्यालयों से आए सभी प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित जो स्थानीय पंचायत है वहाँ के पदाधिकारीगण, देव समाज के उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित जो स्थानीय युवक मंडल है उनके सभी सदस्य, व्यापार मंडल के सभी उपस्थित, जो हमेशा समाज को जोड़ने में समाज हित में हमेशा अग्रणी रहती हैं, हमारी मातृशक्ति यहाँ के स्थानीय महिला मंडल, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस बंधु, इस विद्यालय के सभी आदरणीय गुरुजन शिक्षिकाएं, और इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाने के लिए जो यहाँ की स्थानीय जनता है, मेरी ओर से भी इस विशेष दिवस पर आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ हमारे राष्ट्र का, हमारी मातृभूमि का, हिंदुस्तान का एक अनूठी परंपरा है जो हम सबको एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोए रखती है। और इस उद्घाटन समारोह पर मैं कुछ चंद वाक्य आपसे शेयर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उनको अपने जीवन में उतारने का प्रण लेंगे और यहाँ से बहुत कुछ सीख के आप अपने घर वापस जाएंगे, अपने विद्यालय वापस जाएंगे। देखिए, जितने भी बच्चे आप यहाँ पर आए हैं सबका एक ही लक्ष्य होगा कि हम जीत के जाएंगे, और उसके लिए आपने पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत भी की है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा नियम है कि वो जीत सबसे पहले अपने दिमाग में हासिल कर लो। जय सर, श्रीमान जी, मंत्री खंड के 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के 25 स्कूलों के लगभग 335 छात्र मार्च पास के लिए उपस्थित है सर, कृपया मार्च पास को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सर। जी, 25 विद्यालयों के लगभग 335 छात्र भिन्न भिन्न स्कूलों से आए आज खंड स्तरीय प्रतियोगिता जो कुमारसेन ननकरी खंड की यहां होनी आज प्रारंभ हुई है, इसके बाद यही बच्चे जो आज विभिन्न स्कूलों से आए हैं
इसके बाद कुमार सेन का नेतृत्व करेंगे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में। तो इसी कड़ी में सबसे पहले वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़ा गांव के बच्चे भराज, भराज के बाद भुट्टी, चढ़ीधारण, ये छोटे छोटे बच्चे इसी बीच बच्चे गुजरते हुए इसके पश्चात कोटी का हुआ। उसके बाद खमाटी, खमाटी के बाद मंच के पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेलन, मेलन के बाद बहुत खूबसूरत सा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंदगिरी के बच्चे मंच के सामने से गुजरते हुए कृपया कंटिजेंट चार्जेस में ध्यान दें, ये जो बच्चे मंच के सामने से गुजर रहे हैं इनको थोड़ा सा मंच से दूर रखें। इसी बीच वरिष्ठ माध्यमिक कांगल के बच्चों की कवर करेंगे, कवर कवर लो, कवर लो। कवर लो, कवर। उपमंडला अधिकारी नागरिक कुमार सेन श्री सुरेंद्र मोहन जी, मंचासीन ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिसर सुरभि बाली जी और यहाँ के इसी ही स्कूल में सेवाएं देने वाले प्रधानाचार्य देव चौहान जी और इसी स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण कर यहीं पर ही प्रधानाचार्य पद पर आसीन होकर के सेवानिवृत्त होने वाले श्री कुलदीप अत्री जी और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता चंचला वर्मा जी, इनका सहयोग भरपूर इस विद्यालय में रहा है। पिछले हम मैं देख पा रहा हूँ कि 4-5 दशकों से ये सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं और मंच पर यहाँ पर विनोद नेगी जी, ये मेरे सहपाठी भी रहे हैं, शायद प्रधान रहे हैं इससे पहले वाले टेन्यूर में, और वेद वर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा यहाँ पर हमारे गुरुजी कृष्णपाल शर्मा जी स्टेट अवार्डी हैं और हमारी शिक्षा बरादरी से ही वो संबंध रखते हैं, और मंच पर यहाँ पर विराजमान महिला मंडल नारी शक्ति एक से कॉस्ट्यूम में बहुत आकर्षक लग रही है और इनकी जो सेवाएं में मुझे सूचना मिली है कि बहुत ही अपरिमित सेवाएं ये इस इतने बड़े कार्यक्रम को दे रही हैं।